वसीम शाह की तरफ से शालूम लाखीम। अजीजों, गुज़श्ता वीडियो में आपने मुलाहिज़ा किया कि अंतिकुस चहारम ने मुकम्मल तौर पर यहूदियों का तशख़्स न सिर्फ ख़त्म किया बल्कि मुकम्मल तौर पर तबाह करने की कोशिश की, क्योंकि उसका ख्याल था कि यूनानी सकाफत के यहाँ राइज करने से यहूदी लोग यूनानी हुक्मरानों की तायद करेंगे। दोस्तों, ऐसे हालात में यहूदियों में एक गिरोह ने बगावत कर दी, जिसे मकाबी बगावत या अंग्रेजी में मकाबियन रिपोल्ट के नाम से याद किया जाता है। कसीर तादाद में यहूदी इन तमाम हालात को देखकर डर गए और अपने आप को इन हालात में डालना शुरू कर दिया। लेकिन इसके बरअक्स ऐसे यहूदी भी थे जो अपने रस्म और रवाज और अकायद से लिपटे रहे। ये ख्याल किया जाता है कि ये लोग दर हकीकत हेस्टियन यानी पारसा और वफादार थे। ये वो लोग थे जिन्होंने मज़ाहमत की, क्योंकि ये हुक्म जारी किया गया कि फ़लस्तीन के तमाम इलाकों में बुतों की कुर्बानियों के लिए कुर्बानगाहें बनाई जाएं, और शाही अफसरों या नुमाइंदों को ये हुक्म दिया गया कि उन देहातों में जाकर देखें कि आया इन हुक्मों पर अमल किया जा रहा है कि नहीं। अजीज़ों, पेशतर इसके आगे का अहवाल आपकी खिदमत में अर्ज करूँ, मैं उन तमाम अजीज़ों का शुक्रिया अदा कर दूँ जिन्होंने मेरे इस वीडियो सिलसिले को पसंद फरमा कर अपने कीमती मशवरों से मुझे नवाजा है। उन तमाम दोस्तों का भी शुक्रगुजार हूँ जो कमेंट्स करके मेरी हौसला अफजाई करते हैं। लिहाजा आगे भी उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे चैनल और वीडियोस को पसंद फरमाएंगे और लाइक और शेयर करना नहीं भूलेंगे। शुक्रिया। प्यारे दोस्तों, देहातों में जा जाकर देखने का जब हुक्म हुआ, जो कि अंतिकुस चहारम की तरफ से था, जिसमें देखना ये था कि उनके फैसलों या हुक्मों पर अमल पैरा हुआ जा रहा है कि नहीं, इस सिलसिले में एक रोमी अफसर मोडीन नामी एक गांव में गया और वहां पर मदतिया यानी कि मदतियास नामी सरदार काहिन को मजबूर किया कि कुर्बानगाह पर बुतों की कुर्बानी चढ़ाए। लेकिन मदतिया ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और वहां पर एक यहूदी ने रजामंदी का इजहार कर दिया कि ये काम मैं करूँगा। इस पर मदतिया को बहुत गुस्सा आया और उसने उस यहूदी को वहीं कुर्बानगाह पर हलाक कर दिया और कुर्बानगाह मुकम्मल तौर पर ढा दी। इसके बाद वो अपने पांच बेटों और हामियों के हमराह वहां से फरार हो गया, वो पहाड़ों में छुप गया। द इंटरप्रेटर्स डिक्शनरी के मुताबिक मदतिया के पांच बेटों के नाम कुछ यूं थे। पहले बेटे का नाम जॉन डली था, जिसकी वफात 160 कब्ल मसीह में हुई। दूसरे बेटे का नाम साइमन मैकाबियस था, जो बाद में यानी तकरीबन 142 से 135 कब्ल मसीह तक सरदार काहिन के ओहदे पर फाइज रहा। और इसके भी आगे तीन बेटे हुए, जिनमें से जॉन हायरकिनस अव्वल ने अपने दोनों भाइयों यानी मत्तथियास और यहूदा को 134 कब्ल मसीह में मार डाला और खुद बादशाह बन बैठा। बाद में इसी की नस्ल से हेरोदेस भी पैदा हुआ, जिसका आगे चलकर जिक्र आएगा। मत्तथिया के तीसरे बेटे का नाम यहूदा मकाबियस था, जो 165 से 162 तक सरदार काहिन रहा और इसकी वफात भी 160 कब्ल मसीह में हुई। चौथे बेटे का नाम अलीअज़र था, जिसकी वफात 162 कब्ल मसीह में हुई। और पांचवें बेटे का नाम जोनाथन मकाबियस था, जो 152 से 142 तक सरदार काहिन रहा। पहाड़ों की तरफ फरार होने के बाद मदतिया ने यह नारा लगाया कि हर वो शख्स जो शरीयत और अहद के लिए गैरत रखता है वो हमारा साथ दे। और यूं मकाबी बगावत का आगाज हुआ। मकाबी बगावत तकरीबन 167 से 160 कब्ल मसीह के दौर में रही। ये बगावत सेलूसी हुकूमत और यूनानी असर के खिलाफ थी। इस बगावत में मकाबी घराना सर करता था। वो तमाम लोग जो कि मजहबी गिरोह कहलाते थे, जिन्हें पारसा यानी हेस्टियन कहा जाता था, वो सब मदतिया के साथ मिल गए। उन्होंने यूनानी दबाव का मुकाबला किया और इस तरह अंतिकुस चहारम और इसके तमाम साथियों के खिलाफ लड़ाई का सिलसिला शुरू हो गया। उन्होंने वो तमाम कुर्बानगाहें ढा दी जो रोमी हुक्म पर तामीर की गई थी और अपने अकायद पर दोबारा अमल करना शुरू हो गया। इसी दौरान एक सबत के दिन यहूदी रोमी सिपाहियों के हाथों बड़ी तादाद में हलाक हुए, क्योंकि उन्होंने उस दिन लड़ाई करने से इनकार कर दिया था। दूसरे लफ्जों में उन्होंने सबत के दिन की फजीलत बरकरार रखी, लेकिन जो बाकी बच गए
उन्होंने फैसला किया कि मुस्तकबिल में जब भी ज़रूरत पड़ेगी हम सबत के दिन भी अपना तहफ़ करेंगे। अजीज़ो मरथिया का मन बाद में हसमूनी कहलाने लगा। ये नाम उन्हें इसलिए दिया गया क्योंकि ये नाम यानी हसमून मरथिया के दादा का नाम था। साथ ही साथ इस ख़ानदान का नाम मुकाबी भी पड़ गया। ये नाम मुकाबी इसलिए मशहूर था क्योंकि यहूदा का उर्फी नाम मुकाबी था। दोस्तों मुकाबी का मतलब थोड़ा है। जब मतत्या की वफात 166 कबल मसीह में हुई तो उसका बेटा यहूदा इस बगावत का सरदार बन गया। इसके बेटे का पूरा नाम यहूदा मुकाबी था। अजीजों इससे आगे क्या हुआ इस बारे आप मेरी इस तारीखी वीडियो सिलसिले की छठी वीडियो मुलाहिजा करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तारीखी वीडियो से आपको फ़ायदा पहुँचा होगा। मेरे दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों और अकारिब से मेरी तमाम वीडियोस को ज़रूर शेयर कीजिए और साथ में बनी हुई घंटी को भी दबा दीजिए ताकि वक्त पर आपको मेरी हर वीडियो आसानी से मैसर आ सके। शुक्रिया।